वेलकम बैक दोस्तों, मैं आप लोगों को अपने टेक्निकल मास्टर चैनल के अंदर वेलकम बैक कहता हूं। जैसे कि दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था शॉर्ट वीडियो में कि मैं आपको बैकलिंक क्रिएट करने का मेथड बताऊंगा कि नहीं किस तरीके से आपने बैकलिंक क्रिएट करनी है और अपनी वेबसाइट को मतलब रैंकिंग में लाना है और अपनी वेबसाइट की हाई अथॉरिटी बनानी है, यानी DR उसका और DA उसकी इंक्रीज़ करना है अपनी वेबसाइट का। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक वेबसाइट के ऊपर मतलब हाई अथॉरिटी वेबसाइट है जिस वेबसाइट के ऊपर मैं आपको बैकलिंक क्रिएट करने का मेथड बताऊंगा। इसलिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे टेक्निकल मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस सब तक मैं लाता रहूँ। दोस्तों इस वेबसाइट का नाम आपके सामने मैंने स्क्रीन पर लाया हुआ है, minds.com। दोस्तों ये बहुत ही हाई अथॉरिटी वेबसाइट है और अगर आप इसका DA और BA देखेंगे तो आप हैरान होकर रह जाएंगे। इसलिए वीडियो को स्किप ना करेगा और देखते रहे ताकि आप लोग बैकलिंक बना पाए। तो दोस्तों मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको DAPS का चेक करवा देता हूँ इस वेबसाइट का। अब इसके वेबसाइट का DAPS मैं सबको चेक करवाता हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को कुछ समझ आएगी कि मतलब इसकी DA और इसकी स्पैम स्कोर भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ ताकि आप लोग इस वेबसाइट के ऊपर एक अच्छी सी बैकलिंक बना पाएँ। तो दोस्तों मैंने DAPS चेक करवाने के लिए इंटर कर दिया है और आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूँ। आपके सामने नज़र आ रहा होगा दोस्तों कि वेबसाइट भी वही वेबसाइट है, कोई और वेबसाइट नहीं है। www.minds.com आपके सामने DA इसका 86 है, PA 66 है, टोटल बैकलिंक इसके ऊपर 1 मिलियन बने हुए हैं और क्वालिटी बैकलिंक 683K और स्पैम स्कोर इसका 1% है और लास्ट में इसकी जो टोटल एज है दोस्तों 26 साल है, यानी 26 साल इसकी टोटल एज है। दोस्तों इस चीज़ के ऊपर आपने और कुछ नहीं करना है इस वेबसाइट के ऊपर। इस वेबसाइट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, एक प्रोफाइल ज़बरदस्त एक हाई अथॉरिटी प्रोफाइल बैकलिंक आप इसके ऊपर बना सकते हैं। आपने इसके लिए कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने इसके ज्वाइन नाउ पे आप क्लिक करेंगे। ज्वाइन नाउ क्लिक करने के बाद जैसे नॉर्मल सी वेबसाइट होती है जिसके ऊपर रजिस्टर्ड हुआ जाता है, उसके लिए आपने यहाँ पे यूज़र नेम देना होगा। यूज़र नेम देने के बाद आपको ईमेल यानी यूज़र नेम देना होगा, उसके बाद ईमेल देना होगा, फिर पासवर्ड देना होगा और इस तरीके से आप इसके अंदर अपना साइन अप यानी अपना अकाउंट बना पाएंगे। जब आप अकाउंट बना लेंगे दोस्तों तो अकाउंट बनाने के बाद आपको इस तरह डैशबोर्ड आपके सामने नज़र आएगा। अभी मैं आप इसको वापस से फ्रेश कर देता हूँ। जब आप अकाउंट बना लेंगे, इसका आपके सामने लिखा हुआ है दोस्तों www.minds.com। जब आप अकाउंट बना लेंगे तो आपको इस तरह का एक डैशबोर्ड नज़र आएगा और अकाउंट बनाने का दोस्तों तरीका बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपने यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड देना है और बस OTP जो होती है उसकी जो सिलेक्ट करनी है, उसके बाद आपने एंटर कर देना है। आप चाहें तो अपने ईमेल को वेरीफाई लाजमी करना है, मैंने तो यहाँ पर आपको सिर्फ समझा रहा हूँ डेमो के तौर पर, इसलिए मैं अपना वेरीफाई नहीं कर रहा। तो मैंने इसके ऊपर अपना अकाउंट बना दिया है। अब अकाउंट ऑलरेडी बनाने के बाद अब मैं इसके ऊपर प्रोफाइल बैकलिंक क्रिएट करने का मेथड आपको बताता हूँ। प्रोफाइल बैकलिंक क्रिएट करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले राइट क्लिक पे जाना है, जहाँ पे आपकी प्रोफाइल आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कुछ बल्ब की तरह निशान है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना प्रोफाइल नेम नज़र आएगा। मेरा प्रोफाइल नेम ये है Abdul56। अब ये मेरा प्रोफाइल नेम है। अपनी प्रोफाइल पे नेम पे क्लिक करना है। जब आप प्रोफाइल नेम पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे आपको काम कुछ नज़र आ रहा है एडिट चैनल, आपने एडिट चैनल पे क्लिक करना है और जैसे आप एडिट चैनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप चाहें तो अपना प्रोफाइल का जो आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है वो भी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मैं अपनी सर्सरी कोई सी भी लगा देता हूँ, प्रोफाइल इमेज मैंने यहाँ पर लगा दी। उसके बाद आप चाहें तो अपना बायो अपने बारे में कुछ लिख सकते हैं कि आप क्या हैं। अब मैं आप लिखता हूँ IIM का ब्लॉगर, मैं एक ब्लॉगर हूँ, बस मैंने सिंपल ये दे दिया। आप चाहें तो कंप्लीट डिटेल में दे सकते हैं ताकि आपकी जो प्रोफाइल है वो फेक ना नज़र आए, जेन्युइन नज़र आए। उसके बाद दोस्तों आपने और कुछ नहीं करना, उसके बाद आपने लिटिल बिट यहाँ पे आपने फिर नीचे अपना मतलब नीचे जाना है, रो प्रेस करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है, लास्ट में आपको कुछ नज़र आ रहा है सोशल लिंक्स। असल में दोस्तों ये सोशल लिंक्स ही आपकी प्रोफाइल बैक लिंक है, वो भी डू फॉलो। अब यहाँ पे मैं अपना लिंक पेस्ट करता हूँ अपनी वेबसाइट का। मेरी वेबसाइट दोस्तों जॉब से रिलेटेड एक वेबसाइट है, तो उसी वेबसाइट का मैं यहाँ पे बैक लिंक क्रिएट करने जा रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे कॉपी किया अपना वेबसाइट का लिंक और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इसको। अब यहाँ पे मैंने ऐड का बटन भी दबा दिया। आपके सामने मेरी वेबसाइट का जो
लिंक था वो ऐड हो चुका है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब दोस्तों मैं आपके सामने यहाँ पे सेविंग ऑप्शन मैंने सेव पे क्लिक कर दिया है और ये कुछ टाइम लेगा और उसके बाद सेव हो जाएगा। अब दोस्तों मेरी जो बैकलिंक थी प्रोफाइल की वो मैंने सेव कर दी है। अब सेव करने के बाद मैं यहाँ पे इसको अबाउट के सेक्शन में चेक करता हूँ कि क्या ये मेरी बैकलिंक नज़र आ रही है कि नहीं आ रही। आपके सामने दोस्तों सोशल लिंक्स और आपके सामने ये एक किस्म की लिंक बनी हुई है। अब मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ, ओपन यू न्यू टैब। आपके सामने आप देख पा रहे हैं दोस्तों मेरी जॉब्स वेबसाइट पे ये डायरेक्ट हो गया फॉर्म। ये मेरी जॉब्स वेबसाइट है जो एडसेंस के अप्रूवल भी इसके ऊपर मिला हुआ है। और आपके सामने मैंने आपको बता दिया आपने किस तरीके से अपनी प्रोफाइल बैकलिंक निकाली। अब इसको मैं आपको इंस्पेक्ट में भी चेक करवा देता हूँ। अब देख पा रहे हो दोस्तों यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा कि ये मतलब नॉन टारगेट या नॉन फॉलो या मतलब कोई सी भी मतलब बैकलिंक है। तो ये एक ज़बरदस्त बैकलिंक क्रिएट करने का मेथड है। आप इस बैकलिंक को क्रिएट कर सकते हैं बड़ी इजीली। सिर्फ आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ज्वाइन इन जब आप क्लिक करेंगे तो ज्वाइन होने के लिए क्लिक होने करने के बाद आपने यहाँ पे अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है और फिर नीचे जाके यहाँ पे आप अबाउट पे क्लिक करेंगे। अबाउट के बाद फिर आप एडिट चैनल पे करेंगे और वहाँ उसके बाद आपको यहाँ पे अपना बायो नज़र आएगा। और बायो के बाद जब आप एरो प्रेस नीचे करेंगे तो उसके बाद आपको अपना हैशटैग्स हो गया, सोशल लिंक्स हो गया, हैशटैग्स देना चाहे तो वो भी आप दे सकते हैं। अपने बारे में अबाउट में आपके बारे में मज़ीद कुछ लिखना चाहे, लोकेशन वगैरह, इस तरह आपने एक अच्छी सी लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया तो कैंडी मेरे टेक्निकल मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप सब तक मैं लाता रहूँ। चाहे वो बैकलिंक्स क्रिएट करने का मेथड हो, चाहे वो एडसेंस का अप्रूवल हो, चाहे वो ब्लॉगिंग हो, चाहे वो ब्लॉगिंग से अर्न करने का मेथड हो, यानी जो भी प्रोसेस हो, जिस तरीके से आप चाहते हैं कि मैं आपको एक अर्निंग का ज़बरदस्त मेथड बताऊं, एक प्रॉपर वे बताएं यूट्यूब के ऊपर किस तरह अपने वीडियो को वायरल करना है, किस तरह मतलब न्यू यूट्यूब मतलब अपने काम करना है, ब्लॉगिंग पे किस तरह करना है। अगर आप लोगों को एडसेंस के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई मतलब दिक्कत आ रही है एडसेंस के ऊपर यानी किसी भी चीज़ के ऊपर, तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग फिर मुझे कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आप लोगों को कोई एक ख़ास मुद्दे के ऊपर, ख़ास टॉपिक के ऊपर अगर आप लोगों को जो वीडियो बनाना चाहिए कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप वो भी कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पे वीडियो बना दूं। तब तक के लिए दोस्तों शुक्रिया।